पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सौराहा में विद्यालय में अनियमितता को लेकर आज भी दूसरे दिन बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अभिभावकों ने आज भी अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा। वही बता दें कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों, ग्रामीणों और बच्चों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। देखिए, हम आपका समय नहीं लेंगे, पूरा मामला क्या है और किस आरोप की बात ग्रामीणों और बच्चों द्वारा की जा रही है, आप खुद पहले इस वीडियो में सुन लीजिए। दूसरे दिन भी पठन पाठन बाधित रहा है। तो गांव के बच्चे हैं, गांव के गार्जियन उनको मना कर रहे हैं, बगल के गांव से भी कुछ बच्चे आते हैं, उनको भी लट्टी वट्टी से दमका कर भगा दिया। पूछा जा सकता है, बगल के गाँव से भी कुछ लड़के कल भी आए थे यहाँ, तो जो बच्चा को सिखाया जाएगा उनके बारे में तो मना कर रहे हैं। रामजस यादव सौराहा कहे के बात रह गई। यहाँ के भद्र व्यवहार से शिक्षक दो आदमी पर आरोप लगा है, जिस दोनों को बदली हो जाएगा स्कूल हमारा सुधर जाएगा, अब बच्चा हमको स्कूल जाने लगे। आज आप लोग अपने बच्चों को भेजे हैं स्कूल? ना, नहीं भेजे है, भेजेंगे नहीं, जौले बदला न उन लोगों को बदल नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग नहीं। आगे में कौन सी कौन को कार्रवाई किया गया है, कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया है? दिया गया है कलेक्टर साहब को पास, शिक्षा मंत्री को पास, अपर सचिव के पास, डीओ साहब को पास, हर जगह तो हम लोग भेजे दिए हैं। ठीक, लेटर। जयशंकर शर्मा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ स्कूल में? सौराहा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सौराहा में यहाँ दो शिक्षक, एक प्रधानाचार्य जो हैं राजेश कुमार प्रसाद, दूसरे हैं संजय कुमार सिंह, इन लोगों पर हम लोगों के द्वारा आरोप यही है कि ये लोग कभी क्लास में पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, पूरा दिन ये लोग मोबाइल लेकर के रोड पे घूमते हैं, बच्चा सब यहाँ से लेकर के और आगे पूरा जो ये सड़क के अगल बगल में पेड़ है उस पर सब ये लोग घूमता है। दूसरा, ये मध्यान्ह भोजन में अनियमितता है, उसके खाना बाद बनता है यहाँ? खाना तो बनता है लेकिन उसका टाइमिंग कब है कब नहीं है, क्या देना है क्या नहीं देना है, ये मेनू चार्ट से नहीं मिल रहा है। यही सब शिकायत है और हम लोगों का यही मांग है कि जब तक ये लोग दोनों आदमी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हो जाएंगे गांव के बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम है कि मेरे स्कूल में अनियमितता के कारण बच्चे सब स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग रोक दिए हैं। और ये दो टीचर हैं संजय कुमार सिंह और राजू, राजू उर्फ राजेश कुमार प्रसाद, ये जो है यहाँ बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं और दिन भर अपना मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चे सब को छेड़छाड़ बच्चियाँ को करते हैं, जिसके चलते हमारी बच्चियाँ 7 और 8 क्लास की बच्चियाँ नहीं आती हैं, 2-3 बच्चियाँ की एडमिशन है, बाकी सब लौरिया और कहीं कहीं अपना जो है सो जाकर के पठन पाठन के काम करते हैं, पढ़ती है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा, यहीं के रहने वाले हैं। मैं शिव नारायण कुमार ठाकुर, घर सौराहा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इस स्कूल में जो राजेश सर, आपको ये उनके सहयोगी है संजय कुमार सिंह, इनके द्वारा लड़कियों और गार्जियनों के हित में अब व्यवहार किया जाता है और पूछने पर ये गार्जियन जब जाते हैं पूछने तो ये बोलते हैं कि आप पूछने वाले होते कौन हैं, और ये उनसे गाली गलौज भी करते हैं और समय से ना खाना दिया जाता है ना समय से क्लास लगता है, क्लास लगने का एक समय होता है, ये टिफिन के बाद कभी भी नहीं पढ़ाते हैं लोग, और एक क्लास में 3-3 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं और एक टीचर पढ़ाते हैं, बाकी सब मोबाइल पे लगे रहते हैं और ये मोबाइल लेकर चले जाते हैं लोग उधर पुल के पास, और बच्चा जब वहीं पुल के पास
और बच्चे जब जाते हैं पूछने ये बोलते हैं कि जे ज्यादा बोलबा लगिन तो मार के तनी के मुंह में खून चुहा दें। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? हाँ, मेरे पास वीडियो है। ऐसे बोले हैं बच्चों को? हाँ, बच्चे को बोले हैं। और बच्चों से खाना बनवाने के वक्त बाल्टी से पानी और आपको आलू छिलना, झाड़ू लगवाना, सेफ्टी में पानी ले जाना और अपने खाने के लिए बच्चों से थाली धुलवाना, इन लोगों का काम है। वो बच्चा क्या पढ़ा? क्या नाम है आपका? मैं शिव नारायण ठाकुर। यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले। संजय, तुम लोगों क्या बोले सर? यहाँ पर साइन कर दो तो हम पूछे कि क्यों साइन कर दे, तो मैम बोली कि तुम्हें किताब उताब मिलता है इसीलिए साइन करवा रहे हैं। तीनों एक साथ जाके की? हाँ। तो उसमें पढ़ी क्या लिखा हुआ था? नहीं, सादा पेपर, सादा पेपर था। सादा पेपर में साइन किया? किसका किसका नाम लिखी थी? तुम लोग का नाम क्या हुआ? खुशी, तो सुना आपने, एक एक करके ग्रामीणों और बच्चों के साथ साथ जिन पर आरोप लगाया गया है, प्रधान अध्यापक और सहायक शिक्षक, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हम आपको जानकारी दे दे कि प्रधान अध्यापक राजेश कुमार प्रसाद ने बताया कि किस प्रकार से गांव के दो आदमी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित होकर ही ग्रामीणों को उकसाया जा रहा है, जिस कारण बच्चों को अभिभावक स्कूल में पढ़ने नहीं भेज रहे। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी आरोप उन पर लगे हैं वो बेबुनियादी हैं। साथ ही हमने आपको सुनाया कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। स्थानीय लोग साफ तौर पर आक्रोश में हैं। ये कह रहे हैं कि उनके बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है। बच्चियां 7वीं और 8वीं कक्षा की हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजेगा। साथ ही हमने आपको बच्चियों की भी बातें बताएं कि आखिर किस प्रकार का आरोप बच्चियों द्वारा लगाया जा रहा है, अभिभावक में जो गुस्सा है वो किस लिए है, ये बच्चियों ने भी बताया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और पूरा मामला कब तक शांत होता है।